नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा लाइव और सीधी तस्वीर आपको गांव बिहोली से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि ज्योति शर्मा जो वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, वो जीत करके अब घर पहुंची है, गांव में पहुंची और देखिए कि किस तरह से गले मिल करके और भावुक होती हुई ज्योति शर्मा की आंखों में आंसू है, नम आंखों से और भावुक हो चुकी है, मालाएं पहनाई जा रही है, आशीर्वाद फिलहाल बहू को गांव की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है और मालाएं पहनाई जा रही है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं और खुशी का ठिकाना नहीं है गांव के अंदर। महिलाओं से भी बातचीत करेंगे और इस तरफ आप देखिए कि पूजा के लिए तिलक करने के लिए यहां पर मिठाई भी है और सिंदूर भी यहां पर फिलहाल परिवार के सदस्यों के द्वारा रखा गया है और उनके परिवार के सदस्य देवर हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप जी, सबसे पहले बधाई हो आप लोगों को कि आप लगातार मेहनत कर रहे थे और डोर टू डोर कैंपेन किया हो, चाहे गांव गांव जाकर के रोड शो करने की बात कही हो, आप साथ में रहे, क्या कुछ कहेंगे और वार्ड वासियों से और लोगों से, आम जनता से, गाँव के लोगों से? सबसे पहले सिटी तालका की पूरी टीम को मेरी तरफ से और पूरे वार्ड नंबर 9 की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को गांव बिहोली में पहुंचने पर दिल के गहराइयों से धन्यवाद। और रही बात जीत की, जो ये जीत है पूरे वार्ड नंबर 9 के लोगों ने, जो 36 बरादरी ने जो आशीर्वाद दिया है, जितनी मेहनत सब ने की है, उन सबका दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल देखिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर है क्योंकि हर कोई चाहता है कि ज्योति शर्मा को आशीर्वाद दे, मालाएं पहनाए और थोड़ा सा कवरेज करने में भी थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो रही है और हम लगातार इस तरह की जो कवरेज है वो दिखाते रहेंगे, आप बने रहे फिलहाल हमारे साथ में। और ज्योति शर्मा को जो पैसों की नोटों की माला डाली गई थी, उन्होंने खुद अपनी जो बुजुर्ग महिलाएं थे उनको वो समर्पित की है, उन्होंने वापिस उनको डाल दिया, आप देख रहे हैं, और महिलाओं से जो है फिलहाल यहाँ पर आशीर्वाद, ये देखिए कि बुजुर्ग शख्स है, ये भी आशीर्वाद फिलहाल ज्योति शर्मा को देते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरफ आप देखिए कि किस तरह से गांव के अंदर हुजूम जो है एक उमड़ा हुआ है, तमाम उम्र के जो साथी हैं, लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लड्डू फिलहाल यहाँ पर बांटे जा रहे हैं, तालियां आप देखिए कि किस तरह से तालियां बजा करके स्वागत किया जा रहा है और धन्यवाद भी करते हुए उनके परिवार के जो सदस्य हैं स्वागत भी करते हुए यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। और ये वाकई एक मेहनत की बात है, मेहनत जैसे इन्होंने की वो मेहनत रंग लाई और लोगों ने इनको आशीर्वाद दे करके जिता करके जो है भेजा है फिलहाल ज्योति शर्मा को। और इस तरह की कवरेज हमारी, मैं कहूंगा कि जो गांव बिहोली है फिलहाल यहां पर हम मौजूद हैं और पांचवा जो लाइव है फिलहाल मैं समालखा से कर रहा हूं, दूसरे साथी जितेंद्र जो है वो भी और नवीन साथी हैं वो पानीपत से कवरेज कर रहे हैं और लगातार इसकी जो कवरेज हमारी जारी रहेगी अलग अलग वार्ड से। इसराना ब्लॉक में कौन कौन उम्मीदवार जीते हैं वो भी हमारी तस्वीरें जो है लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। और अगर मैं बात करूं तो वार्ड नंबर 7 में सुदेशा आर्य जो है वो प्रत्याशी थी, उन्होंने भी चुनाव फिलहाल यहाँ पर जीता है और रणदीप है वो चुनाव जीते हैं। और उस तरफ ये देखिए लड्डू फिलहाल यहाँ पर एक दूसरे को खिलाए जा रहे हैं, खुशी जाहिर की जा रही है। सबसे पहले जी यशपाल जी हैं, सरपंच हैं, पूर्व एक सरपंच हैं, करण से है। और एक चीज सबसे पहले तो एक बार थोड़ा सा इस पे दे दीजिए कि जो ज्योति शर्मा चुनाव जो जीती हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया 36 बरादरी की जीत है भाई, मैं तो यह कहना चाहूंगा अब तो। हाँ, मैंने एक बार मैं एक बार आपसे मिला था और शायद स्वागत हुआ था आपके घर पे भी। और उस तरफ की बात कहूंगा कि मैं अंदर वहां समालखा के अंदर भी कवरेज कर रहा था, एक चीज मैंने वहां नोट की कि कुछ रुझान आने शुरू हुए थे और जब गांव बिहोली का जब रिजल्ट आया तो जो दूसरे साथी थे जो परविंदर की मैं जिक्र कर रहा हूँ, परविंदर चुनाव मैदान छोड़ चुके थे, अभी कई जो राउंड का दौर है जो वो भी बाकी था, मैंने उनसे पूछा भी क्या कुछ है, एक दो समर्थक हैं उन्होंने से ये मैंने पूछा तो उनका ये कहना था कि भाई हमें ये उम्मीद थी
कि प्रदीप बिहोली के गांव के लोग उनके खिलाफ है, इसलिए उनको अपनी जीत गांव बिहोली के अंदर नजर आ रही थी, यानी चश्मा उनके ऊपर चढ़ा रखा था और वो उसी टाइम पे मैदान छोड़ दिया जब बिहोली के लोगों ने ज्योति शर्मा को आशीर्वाद दिया और गांव में एक तरफा जीत दिखा दी। बिहोली के लोग कह रहे थे, कुछ आदमी कह रहे थे बाहर के, भाई बिहोली में सारी वोट है परविंदर की आधी वोट ले रहा है, फिर हमने भाई आज गांव ने दिखा दिया पूरा एक तरफा पाया प्रदीप बिहोली के पक्ष में, पाया बिहोली गांव पूरा पूरा एक तरफा। अरे होना भी चाहिए, हम तो भाई जो गांव का कैंडिडेट उसको तो पूरे वोट गिननी चाहिए गांव ने, चाहे कोई बरादरी हो बरादरी, गांव ही जीत और हार का फैसला करता है। अब गांव ने जीता रहेगा, गांव ने 2000 वोटों तक था उस वही 2049 वोटों से विजय हुए हैं प्रदीप भाई। फिर से आपके गांव में चौधरी एक बार फिर से आ गए, पहले मेरे ख्याल में मैं गांव चला पड़ा है, गुआंड है पड़ा है, बिहोली गांव भी पड़ा है, मैं करस गांव से हूं भाई साहब एक सरपंच। इसमें फिर से एक बार दोहराया है और कितना आप आश्वस्त है कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? भाई उम्मीद है पूरा काम, यही उम्मीद है चेयरमैन बनेगा 100%। मैं पहले भी कहा था अगर भाई ज्योति शर्मा अगर जिला परिषद मेंबर बनती है तो चेयरमैन 100% बनेगी, और ये पूरा पूरा जो राठू गांव नु भाई बनेगी 100% चेयरमैन 100%। तो जो इनके समर्थक है चेयरमैनी की दावी फिलहाल ये करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ एक बार जरूर मैं इस तरफ कहूंगा कि प्रदीप से बातचीत करने की कोशिश करेंगे फिर से। लाइव है, एक बार मैंने समालखा से लाइव दिखाया और यहाँ पर आशीर्वाद और फूलों की माला ज्योति शर्मा भी यहाँ पर मौजूद थी, मैंने उनसे बातचीत की। प्रदीप जी स्वागत, और आप खुशी का ठिकाना नहीं है और लोगों से जो जिन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है कितना उम्मीदों पर उनके खरा उतरेंगे? सबसे पहले तो सबको हाथ जोड़ के राम राम, आपके सभी दर्शकों को और जितने भी यहाँ मेरे माता पिता मेरे बुजुर्ग साथी मेरे गाँव के 36 बिरादरी से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग माताएं बहनें और सबका हाथ जोड़ के सभी को राम राम प्रणाम। ये मेरा अपना कुछ नहीं है, ये गांव की जीत है, इन सब का आशीर्वाद है और इन सब के आशीर्वाद से सारी चीजें संभव है, हम अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, पूरे गांव की और 36 बिरादरी की जीत है। आपके समर्थक ने तो दावा कर दिया कि भी प्रदीप बिहोली अगर ज्योति शर्मा चुनाव जीतती है तो हम लोगों ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया था कि चेयरमैनी का भी दावेदारी कर दी उन्होंने, तो अभी सही कर दिया। देखो ठोकेंगे दावेदारी 100%, 3 साल से यही एक प्लानिंग है कि इसको चेयरमैनी तक लेके जाएंगे और आप लोगों का बड़ा कार ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल चेयरमैनी तक लेके जाएंगे। परिवार के सदस्य देखिए कि बधाई देने और मिठाई के डब्बे लेकर के यहाँ पर पहुंचे, उनकी यहाँ पर पहुंची है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? आज ठिकाना नहीं आपकी खुशी का। बहुत बहुत कुछ नहीं कहने के लिए, शब्द भी नहीं है, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, ये पूरे गांव का सहयोग है। हमें उम्मीद नहीं थी कि गांव 85% होगा, लेकिन ये तो 100% है, जिसकी बदौलत पूरे 8 गांव में, जब गांव जिसका साथ हो जाता है तो वो 8 गांव में अपनी रिश्तेदारी बहन भाईचारा निकाल के हर जगह से सपोर्ट करते हैं। सो किया ज्योति शर्मा की नुकार विदेश की भाषा पित्तस हो आप? हाँ जी पित्तस हूँ मैं, हाँ जी मैं तो चाची सास बहुत अच्छी चाची सास, चोरी होगी बिल्कुल चोरी होगी, फिला रही है अरे भाई सिस्टर भी है भाई इस तरफ आ जाओ। इब तो देखो जी करे पिछार कुछ जीत हो पिछा ना आप, हाँ जी हाँ जी, इब तो घोड़े है चढ़ कर जाओगी कुछ भी मांग सको। बस जी भगवान का और सबका आशीर्वाद है, इतनी खुशी है जी, बस मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, उम्मीद तो थी देखो लेकिन वो उम्मीद आज पूरी हो गई है। हाँ जी आप क्या मम्मी माता जी क्या कुछ कहना चाहोगे? एक बार आपने जब प्रदीप ज्योति शर्मा की शादी करके लेके आया उस टाइम पे भी आरता किया होगा ऐसे ही, फिर से एक बार दोबारा देखिए कि क्या खुशी हुई, मुझे बहुत घनी खुशी हुई, 8 गांवों से सब मेरा बेटा बन के आया, मेरा नाम रोशन कराया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार इस तरह की कवरेज हमारी जारी रहेगी, बहुत नमस्कार।